हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्वे। इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है। तो सर्वे में अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं सर्वे क्या है। तो जब अपन सर्वे कर रहे हैं, अपन ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी एरिए की डिटेल्ड एक तरह से जो जानकारियां हम कलेक्ट करते हैं, वहाँ चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, किस तरह के आपके जो है वहाँ पर फीचर्स हैं, इन सब के जो कलेक्टिंग डाटा जो है करने के लिए जो टेक्निक्स अपनाई जाती है, या ये कहो कि किसी पॉइंट को ग्राउंड पर प्रॉपरली फिक्स करने के लिए, प्रॉपरली लोकेट करने के लिए जो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, क्या कहलाती है आपकी, सर्वे कहलाती। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा केवल अपन वैसी बात कर रहे हैं। अब ये कहता है जब अपन सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे करने से पहले कुछ अपन को डाटाज पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जब मैं सर्वे करूंगा तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझे ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं सर्वे मेनली अर्थ पर उपस्थित सभी ऑब्जेक्ट्स का करता हूं या अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट्स का करता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे अर्थ के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए कि अर्थ कैसी है या किस तरह से इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि जो अर्थ है उसकी जो शेप है कुछ इस तरह से, मैंने देखा कि अर्थ जो है एग्जैक्ट राउंड तो होती नहीं है भाई। आपने देखा कि जो अर्थ है वो एग्जैक्ट राउंड ना होकर चपटा गोलाकार होती है, और ये अपने ऑर्बिट में नॉर्थ साउथ जो है, ये नॉर्थ और साउथ वर्टिकल के साथ 23.44 या लगभग लोग 23.5 बोल देते हैं इसको, लगभग जो है 23.44 जो है मिनट पर ये टिल्ट होती है। तो अपन ने ये देखा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि शेप ऑफ अर्थ क्या होती है, शेप ऑफ अर्थ कैसी होती है, आपका शेप ऑफ अर्थ क्वेश्चन पूछता रहता है ये खूब आपसे। ये कहता है जो शेप ऑफ अर्थ होगी ये होती है चपटा गोलाकार, मतलब ये एग्जैक्ट गोल नहीं होती है आपका। पहला क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि शेप ऑफ अर्थ जो है वो ऑबलेट स्पेरिडिकल होती है, ऑबलेट स्पेरिडिकल, चपटा गोलाकार, चपटा गोलाकार। सेकेंड ये कहता है कि अर्थ का जो टिल्टिंग एंगल है, जो अपने टिल्टिंग एट अबाउट इट्स ऑर्बिट, जो स्वयं की अक्ष जो है इसके आप जो इसके रेस्पेक्ट में कितने डिग्री पर जो है टिल्ट होती है, तो टिल्टिंग ऑफ अर्थ जो होगी ये कहता है 23.44 होता है, या कुछ बुकों में इसको 23.5 ले लेता है ये आपका, कि भाई 23 डिग्री जो है 23.5 आपका है, पर आप ये एक तरह से ये इस तरह से बोल सकते हो 23.44 आपका जो है ये टिल्ट होती है। सेकंड नेक्स्ट ये बात करता है कि आप मुझे बताइए कि भाई ये जो है, जब अपन देखते हैं कि आप ये मुझे बताइए कि देखो क्या होता है कि जो अर्थ दो तरह से वो करती है। अगर आप अर्थ का देखोगे तो ये अक्ष, खुद की अक्ष जो है आपका, खुद की अक्ष के रेस्पेक्ट में भी घूमती है, मतलब खुद की अक्ष के रेस्पेक्ट में भी ये गोल गोल घूमती है, और सूर्य के चारों तरफ भी ये घूमती है। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे मैं ये देखता हूँ, ये मान लो सन है, ये मेरा सन है, तो इसके चारों तरफ ये परिक्रमा लगाती है। तो आपने देखा कि जो खुद का अक्ष जो है, ये अर्थ जो है, ये मान लो इसकी खुद की एक्सिस है जिस पर थी, तो ये खुद के एस्पेक्ट में भी जो है घूमती है, और ये इसके रेस्पेक्ट में भी घूमती है। तो दो चीज़ हो गई, एक तो हो गया रोटेशन और एक हो गया रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन तो क्या हो गया, आप रोटेशन देखते हैं कि स्वयं की अक्ष के रेस्पेक्ट में घूमना। तो रोटेशन जो है, रोटेशन ऑफ अर्थ जो है, रोटेशन, ये सन है भाई आपका, ये सन, रोटेशन ऑफ अर्थ ये 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, मतलब जो स्वयं की अक्ष के सापेक्ष ये घूमेगी वो 24 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाता है। और रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशन क्या है, चंद्रमा के चक्र लगाना। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ
रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ में देखता हूँ तो ये 365 डेज में कंप्लीट होता है, मतलब साल में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है चंद्रमा के, और रोटेशन जो खुद की अक्ष पे घूमना है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है आपका। अब अपन ने देखा कि ये जो एक्सिस है आपका, ये जो एक्सिस है ये कहलाती है पोलर एक्सिस, मतलब जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हुए जो निकल रही है वो कहलाती है पोलर एक्सिस, मतलब एक तरह से नॉर्थ और साउथ क्योंकि इन पोल्स को मिलाते हुए जो अक्ष निकलेगी वो कहलाती है पोलर एक्सिस। तो ये कहता है लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस, लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस, ये कह रहा है कि जो ध्रुवीय अक्ष है, लेंथ पोलर एक्सिस कौन सी है आपका, ध्रुवीय अक्ष जो है, लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस जो है इसकी लंबाई है 12,713.85 किलोमीटर। नेक्स्ट कहता है लेंथ ऑफ इक्विटोरियस एक्सिस, इक्विटोरियस एक तरह से जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है आपका एक तरह से आप देखेंगे जहां पर आपका ये विषुवत रेखा है जहां मैग्नेटिक फोर्स जो है बिल्कुल इसके पैरेलल रन करते हैं, आगे सब चीजों के ऊपर बात करेंगे अपन। तो ये कहता है कि लेंथ ऑफ इक्विटोरियस एक्सिस जो है, लेंथ ऑफ इक्विटोरियस एक्सिस ये होती है 12,756.75 किलोमीटर। तो अपन ने देख लिया लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस कितना है, लेंथ ऑफ इक्विटोरियस एक्सिस कितना है। अब ये कहता है डिफरेंस बताइए, डिफरेंस आपका कितना है। तो आपने देखा कि डिफरेंस कितना होगा, तो ये आपसे कहता है डिफरेंस कितना है, 12,756 में से 12,756.75 किलोमीटर में से 12,713.80 किलोमीटर डिडक्ट कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा डिफरेंस, कितना हो जाएगा डिफरेंस दोनों घटाएंगे तो आप देखोगे 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस आपका हो जाएगा। कितना डिफरेंस हो जाएगा भाई, 42.95 किलोमीटर का आपका डिफरेंस हो गया। मतलब एक तरह से अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो इक्विटोरियस एक्सिस है, जो विषुवत रेखा है, कौन सी रेखा है, विषुवत जो रेखा है, ये 42.95 किलोमीटर बड़ी होगी किससे आपका भाई, आपका जो पोलर एक्सिस है। तो थोड़ा सा मैंने अर्थ के बारे में पढ़ लिया, यहाँ कई क्वेश्चंस पूछ लेता है कि शेप ऑफ अर्थ बचा है, स्पेले जो है ऑबलेट स्पेरिडिकल चपटा गोलाकार होती है, एग्जैक्ट गोल नहीं होती है, टिल्टिंग ऑफ अर्थ कितनी होती है, 23 डिग्री 44 मिनट होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ कितने घंटे में हो जाता है आपका, 24 आवर्स में हो जाता है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ जो है 365 दिन लगते हैं, लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस 12,713.80 किलोमीटर है, लेंथ ऑफ इक्विटोरियस एक्सिस 12,756.75 किलोमीटर है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 42.95 किलोमीटर आपका हो जाता है। तो अपन ने देखा कि सर्वे जब अपन चालू कर रहे हैं तो उससे पहले मुझे थोड़े से अर्थ के बारे में चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, कि भाई मुझे सर्वे का बताएं कितने तरह से क्लासिफाइड होता है। तो ये कहता है कि मोटे तौर पर सर्वे को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसने आगे कहा आपसे कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, तो क्या कह रहा है आपसे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे तो ये आपसे कहता है कि मोटे तौर पर जो ब्रॉडली जो है वो सर्वे दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये कह रहा है कि सर्वे आर क्लासिफाइड एज टू टाइप्स एट ब्रॉड जो है, तो ब्रॉडली मतलब मोटे तौर पर सर्वे आर
क्लासिफाइड, सर्वे आर क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, एज टू टाइप्स। ये कह रहा है मोटे तौर पर सर्वे दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। अब दो तरह कौन कौन से हो गए आपके? फर्स्ट ये आपसे कहता है, फर्स्ट टाइप अपन ने देखा, तो फर्स्ट ये आपसे कहता है प्लेन सर्वे। फर्स्ट कौन सा है आपका? प्लेन सर्वे। तो फर्स्ट हो गया आपका प्लेन सर्वे। सेकंड आपका कौन सा हो गया? सेकंड आपका हो गया जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। तो फर्स्ट आपका प्लेन सर्वे, सेकंड आपका कौन सा हो गया? जियोडेटिक सर्वे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इसने लिखा कि प्लेन सर्वे बताएं भाई, फर्स्ट जो है वो कहता है प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे। तो प्लेन सर्वे कौन सा हो गया? ये कहता है कि ऐसा सर्वे जिसमें जियोडेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ जो है आपका कैसी है, गोल है भाई। अर्थ कैसी है आपका? गोल ही तो है आपका, लगभग गोल है, मतलब चपटा गोलाकार है। तो ये कहता है प्लेन सर्वे में जब मैं सर्वे कर रहा हूँ, तो अब देखा जाए तो जैसे जैसे मान लो आप, मान लो मैंने देखा कि कोई अर्थ है, मैंने देखा भाई ये अर्थ है। अब आप तो जा रहे हैं आगे, मान लो सर्वे कर रहे हैं यहाँ से इस दोनों पर, तो आपने तो देखा कि आगे देख रहे हो, तो आप कैसे जा रहे हो आगे की तरफ? आगे की तरफ आप कर्व होते जा रहे हो। तो ये कहता है कि ऐसा सर्वे जिसमें कर्वेचर इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया, मतलब मैंने जो धरती है उसको बिल्कुल समतल माना है, वो करा, चाहे कितना भी बड़ा सर्वे कर लो, अर्थ ऑफ सर्वे आपका कैसा है? प्लेन है एक तरह से। तो एक तरह से जियोडेटिक इफेक्ट को, भूवक्रता के प्रभाव को कंसीडर नहीं किया गया हो, तो ऐसा जो सर्वे है वो प्लेन सर्वे कहलाता है। तो इसने कहा कि ऐसा सर्वे जिसमें अर्थ के जियोडेटिक इफेक्ट, जियोडेटिक इफेक्ट मतलब भू वक्रता के प्रभाव, जियोडेटिक इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया हो, जियोडेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ, भूवक्रता के प्रभाव को कंसीडर नहीं किया गया, अर्थात अर्थ सरफेस को बिल्कुल प्लेन, समतल समतल का हो या प्लेन माना गया हो, क्या कहलाता है भाई? प्लेन सर्वे कहलाता है। प्लेन सर्वे कहलाता है। ये कह रहा है कि ऐसा सर्वे जिसमें जियोडेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया गया, मतलब बिल्कुल ये माना कि अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है भाई, अर्थ तो बिल्कुल कैसी है, समतल है, तो ऐसा जो सर्वे है वो कहलाता है कि प्लेन सर्वे कहलाता है, मतलब जियोडेटिक इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया तो ये सर्वे प्लेन सर्वे कहलाता है। सेकेंड जो हो गया ये कहता है जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। ये कहता है कि ऐसा सर्वे जिसमें भूवक्रता के प्रभाव को कंसीडर किया गया हो, मतलब धरती को गोल ही माना गया है, तो ऐसा जो सर्वे है वो क्या कहलाता है? जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। तो इसने कहा कि ऐसा सर्वे जिसमें जियोडेटिक इफेक्ट, जियोडेटिक इफेक्ट बोलो या कर्वेचर इफेक्ट भी बोल सकते थे भाई, या कहो कर्वेचर इफेक्ट
दोनों का मतलब एक है भाई, ज्योडेटिक इफेक्ट बोल लो या क्या कहता है, कर्वेचर इफेक्ट है ना, मतलब भूवक्रता का प्रभाव। भूवक्रता का प्रभाव कंसीडर किया गया हो, मतलब माना गया हो, कंसीडर किया गया हो, क्या कहलाता है, ज्योडेटिक सर्वे कहलाता है। तो कई बार दोनों में आपसे डिफरेंस पूछ लेता है कि मुझे डिफरेंस बताइए कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वे एंड ज्योडेटिक सर्वे। तो ये कहता है प्लेन सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे में मेन जो डिफरेंस यही है कि यदि ज्योडेटिक इफेक्ट को कंसीडर किया गया हो तो ये ज्योडेटिक सर्वे, मतलब जो कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया गया हो तो ये ज्योडेटिक सर्वे कहलाता है, और कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया गया हो तो ये प्लेन सर्वे कहलाता है। अब आगे अपन बात करते हैं, नोट डाल के दो तीन चीज़ें लिखते हैं, मतलब आप कब तो कंसीडर करेंगे कब कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो आपसे कहता है कि मुझे ये बताए भाई मैं कब तो प्लेन सर्वे करूं और कब मैं ज्योडेटिक सर्वे करूं। तो ये कहता है कि यदि सर्वे किया जाने वाला एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे, ज्योडेटिक सर्वे करेंगे, और 260 किलोमीटर या स्क्वायर से कम हो तो अपन क्या करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं। तो ये कहता है कि यदि सर्वे एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक हो, 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक हो तो उस कंडीशन में ज्योडेटिक सर्वे किया जाता है। और यदि सर्वे किया जाने वाला एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर या उससे कम हो तो उस कंडीशन में कौन सा, ज्योडेटिक सर्वे, सॉरी, तो उस कंडीशन में प्लेन सर्वे किया जाता है। तो पहला डिफरेंस अपन ने देख लिया कि भाई मैं कब तो एक तरह से कुछ बुकों में क्या है 250 किलोमीटर स्क्वायर भी ले रखा है, जबकि अपन देखेंगे 260 किलोमीटर स्क्वायर सही है आपका। अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर नहीं दिख रहा हो तो फिर आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर आपका दिख जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि सर्वे जो है 260 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एक बार लिया कि भाई 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा सर्वे एरिया है, एक तरह से बड़ा हो जाएगा, तो वो कहता है कि अपन जो है ज्योडेटिक सर्वे करेंगे, और यदि 260 किलोमीटर या स्क्वायर या उससे कम एरिया है तो अपन देखते हैं कि ऐसे एरिए का अपन कौन सा करते हैं, प्लेन सर्वे अपन करते हैं। सेकंड, और मैं इनमें डिफरेंस देखूं क्या क्या डिफरेंस आपके हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन ये बन गया कि भाई मुझे बताएं कि कर्वेचर ऑफ अर्थ आर कंसीडर, मतलब एक तरह से ज्योडेटिक सर्वे कब करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ आर कंसीडर व्हेन द सर्वे एरिया आर एक्सीड। तो क्या क्वेश्चन बन सक रहा है, मतलब इसमें जो है कर्वेचर ऑफ अर्थ आर कंसीडर, मतलब ज्योडेटिक सर्वे कब करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ आर कंसीडर व्हेन सर्वे एरिया आर एक्सीड
कितना था भाई 260 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब देखिए कि भैया कर्वेचर ऑफ अर्थ कब कंसीडर करेंगे, जब सर्वे एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन में अपन ज्योडेटिक सर्वे करते हैं, एक तरह से आपका 260 किलोमीटर स्क्वायर से बढ़ने पर ही अपन करते हैं। सेकंड ये बोलता है इस नॉट में, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था एक तरह से, नॉट में ये सेकेंड पॉइंट आपसे बोलता है कि यदि 195 किलोमीटर स्क्वायर का एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ मैं, एक मैं 195 किलोमीटर का जो ट्रायंगल ड्रॉ करूं मैं वो ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर करते हुए, और एक मैं प्लेन सर्वे का इफेक्ट कंसीडर करते हुए करता हूं, तो जब देखूंगा तो दोनों के एंगल में 1 सेकंड का डिफरेंस आता है। मतलब जो ज्योडेटिक इफेक्ट वाला है वो 1 सेकंड बड़ा एंगल आपका होगा। तो ये कहता है सेकेंड पॉइंट, यदि 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का एक ट्रायंगल 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का एक ट्रायंगल ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर करते हुए और 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का ही प्लेन सर्वे, या ये कहो कि ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर किए बिना बनाया गया हो, तो दोनों के एंगल में 1 सेकंड कितना भाई 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड का डिफरेंस आता है। अर्थात ज्योडेटिक इफेक्ट वाला ट्रायंगल 1 सेकंड बड़ा होता है, अर्थात ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर करके बनाया गया एंगल, बनाया गया जो ट्रायंगल है सर ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर बना गया ट्रायंगल 1 सेकंड बड़ा आता है। तो अपन देख लिया, वो कहता है कि यदि ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर करते हुए एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बिना जो है ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर करते हुए बनाओ, मतलब प्लेन सर्वे मानते हुए बनाओ, तो दोनों में मैं देखूंगा, वो कहता है 1 सेकंड का डिफरेंस आपका आता है। मतलब जो ज्योडेटिक इफेक्ट वाला ट्रायंगल है वो 1 सेकंड आपका बड़ा होगा। थर्ड पॉइंट इसी में बात करता है, ये ये कहता है कि यदि 12 किलोमीटर लंबी, कितने में आपका 12 किलोमीटर लंबी एक आर्क खींची जाए और फिर इसकी एक जीवा खींची जाए, चौट खींची जाए, तो ये कहता है कि दोनों में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। 1 सेंटीमीटर दोनों में डिफरेंस, मतलब जो आर्क है वो 1 सेंटीमीटर बड़ा होगा, जीवा 1 सेंटीमीटर छोटी होगी। मतलब ये कहता है यदि ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर करते हुए यदि ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर करते हुए एक
12 किलोमीटर लंबे आर्क मतलब चाप खींचा जाए और फिर इस 12 किलोमीटर लंबे चाप की प्लेन सर्वे कंसीडर करते हुए जीवा खींची जाए तो दोनों में 1 सेंटीमीटर या कहो 10 mm का डिफरेंस होता है। देखिए कुछ बुकों ने आपको कंफ्यूज कर रखा है कि जो द 1 सेंटीमीटर डिफरेंस 18.5 किलोमीटर लंबे में होता है, मैं आपको आगे प्रूव भी करके बताऊंगा, इसका इक्वेशन भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो 12 किलोमीटर लंबा एक चाप खींचा जाए, फिर उसकी जो है प्लेन सर्वे करते हुए उसकी जीवा खींची जाए, तो दोनों में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, अर्थात जो आर्क है जो चाप है अर्थात आग 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें देख ली या कुछ यहाँ पर मैंने दोनों के बारे में बातें कर ली। नंबर 1 था आपका प्लेन सर्वे, 2 था आपका ज्योडेटिक सर्वे, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस था वो कर्वेचर ऑफ अर्थ का था, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर कर रहे हैं या आपका ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो ज्योडेटिक सर्वे था, नहीं कर रहे हैं तो प्लेन सर्वे था। अब कब करूँगा कब नहीं करूँगा, तो मैंने देखा वो ये कहता है कि यदि मैं देखता हूँ कि जो आपका सर्वे एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा है तो मैं ज्योडेटिक सर्वे करता हूँ, और अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा है तो मैं प्लेन सर्वे करता हूँ। आगे फिर मैंने देख लिया था कि और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सेकंड वो कहता है कि 195 किलोमीटर स्क्वायर का एक जो है ट्रायंगल आप जो है ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर करते हुए खींचिए, फिर इसमें आप प्लेन सर जो है सर्वे करते हुए खींचिए, दोनों में 1 सेकंड का डिफरेंस आता है। फिर तीसरा डिफरेंस था कि एक 12 किलोमीटर लंबा अगर मैं जो चाप खींचता हूँ फिर इसकी जीवा अगर ड्रॉ करता हूँ तो वो जीवा 1 सेंटीमीटर छोटी होती है, एक चाप 1 सेंटीमीटर आपका बड़ा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से हमेशा आपसे क्वेश्चन वो पूछता है कि भाई मुझे क्वेश्चन बताइए कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बिल्कुल आपको ये तीनों चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब ये कहता है कि आगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ये कह रहा आगे और मेरे को सर्वे का क्लासिफिकेशन करना है किस तरह से सर्वे आगे क्लासिफाइड आपका होता है। तो ये कहता है कि फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, या ये कहो कि फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे से पहले मैं कुछ और चीज़ें पढ़ता हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे आपके क्या होंगे, या उसके बाद अपन इस चीज़ों को देखेंगे। तो अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। ये आपसे कहता है कि जब मैं सर्वे कर रहा हूँ तो मेनली दो चीज़ें या दो मेन प्रिंसिपल्स अपन अडॉप्ट करते हैं। तो ये कहता है सर्वे करते समय, मुख्य रूप से दो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे उपयोग में लाए जाते हैं।
अब दो कौन कौन से हैं? पहला वो कहता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पहला कौन सा हो गया आपका, दो मेन हो गए जिसमें फर्स्ट जो है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और सेकंड आपका हो गया फिक्सिंग एनी पॉइंट या लोकेटिंग एनी पॉइंट विद रेफरेंस ऑफ एनी टू नॉन पॉइंट। क्या बोलना चाह रहा है ये आपसे? फर्स्ट ये कहता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पहला जो हो गया फर्स्ट जो प्रिंसिपल है ये कहता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या है? टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब बड़े सर्वे को छोटे छोटे एरियाज में तोड़कर सर्वे करना, इसका मतलब क्या है? टू वर्क कार्य करना फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या है? बड़े को छोटे में तोड़ना, होल मतलब पूरा और पार्ट मतलब छोटा। तो एक तरह समझे क्या कहना चाह रहा है ये आपका, बड़े सर्वे क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। अब ये कह रहा है ऐसा क्यों करते हैं? ये कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है ये सर्वे फील्ड में एरर्स इकट्ठी ना हो, मतलब ये कहता है कि इस मेथड में जो सर्वे क्षेत्र है उसे छोटे छोटे एरियाज में तोड़ लिया जाता है और इसका मेन फंक्शन क्यों अपन इसको करते हैं, ताकि जो एरर हैं वो अकुमुलेट ना हो, वो इकट्ठा ना हो आपकी एरर्स जो है आपकी, कि भाई ऐसा किसी एक पार्ट में आए तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाए, कलेक्टिंग ना हो। तो ये कहता है कि इस मेथड या इस प्रिंसिपल में बड़े सर्वे क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। ये कह रहा है कि बड़े उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और फिर सर्वे किया जाता है। ये कह रहा है कि इसका मुख्य कारण या इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एरर जो है, या इस प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य है कि एरर को इकट्ठा होने से रोका जा सके। इस प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य यह है कि एरर एक साथ इकट्ठा ना हो, अर्थात मेन फंक्शन क्या हुआ अगर देखें तो ये कहता है मेन फंक्शन क्या हुआ, मेन उद्देश्य इसका यह है कि एरर को अकुमुलेट होने से रोका जाए या एरर्स आपकी इकट्ठा ना हो। तो अपन ने पहला देख लिया। अब कई बार देखो क्या होता है कि व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे, ऑप्शन ए में बोलता है टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, ऑप्शन बी में बोलता है और कुछ बोल देगा सी में, और डी में बोलता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा जो है आवेश में आ जाते हो और आप देखोगे टू वर्क फ्रॉम द पार्ट टू होल को ही सही कर देते हो। तो कहते हैं ना, आज जल गगरी छलकत जाए, तो उस
तरह के अगर आप नॉलेज रखते हो या उस तरह से आप एग्ज़ाम में करते हो तो दो चार क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए वहाँ बिल्कुल आप आवेश में नहीं आए, आप बात को समझिए क्या कहना चाह रहा है और फिर आपका आंसर आप पुटअप करें। तो आपने देखा कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करते हैं अपन, वो भी मेरे को यहाँ समझ आ गया। सेकेंड जो प्रिंसिपल था वो कहता है फिक्सिंग एनी पॉइंट विद रेफरेंस ऑफ एनी टू नॉन पॉइंट्स। दूसरा प्रिंसिपल मैं देखूँ, मुझे थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है तो जो सेकंड था फिक्सिंग ऑफ एनी पॉइंट विद रेफरेंस ऑफ एनी टू नॉन पॉइंट, ऑफ एनी टू नॉन पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी दो नॉन पॉइंट्स की सहायता से कोई तीसरा पॉइंट स्थापित करना। तो कहता है कि इस प्रिंसिपल में कोई भी दो ज्ञात बिंदुओं की सहायता से तीसरा बिंदु या पॉइंट फिक्स किया जाता है अब कैसे करेंगे अपन। अपन देखा, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यहां कोई टॉप पॉइंट, मान लो ये मेरे पॉइंट हो गए, ये मेरा एक कोई पी है और एक मेरा क्यू है, मान लो मेरा पी पॉइंट है और कोई क्यू पॉइंट है। अब मेरे को कोई तीसरा पॉइंट फिक्स करना है, आर फिक्स करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कैसे कर सकता हूँ। मैंने क्या किया कि मान लो मेरे को दोनों पॉइंटों से उसकी दूरी पता हो, मेरे को ये पता हो कि भैया पहले पॉइंट से आपका मान लो पी पॉइंट से मान लो 30 मीटर है, इस पॉइंट से मान लो 40 मीटर है। मैं कैसे करूँगा, तो अपन क्या करेंगे, पीपर जो है लगाएंगे और एक चाप मारेंगे आपका। मान लो मेरा ये चाप आ गया, मान लो 40 मीटर है तो पी का एक चाप, क्यू पर मान लो 30 मीटर है तो यहाँ से एक चाप मारूँ, मान लो 30 मीटर का वो लिया और यहाँ से चाप मारा तो मेरा ये पॉइंट आ गया। तो मैंने देखा कि मेरा ये पॉइंट्स आपका यहाँ पर फिक्स हो गया, आपका पहला प्रिंसिपल ये मान लो ये मेरा आर पॉइंट हो गया। अब ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है चैन सर्वे में इसको अडॉप्ट करते हैं। कौन से सर्वे में अडॉप्ट करते हैं इसको, चैन सर्वे जो अडॉप्ट जो अपन करते हैं, चैन सर्वे जो करते हैं उसमें अपन ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं। सेकंड क्या हो सकता है, कैसे आप कर सकते हैं, ये करा दो नॉन पॉइंट है मेरे पास पी और क्यू, पी और क्यू मेरे पास है, ये कह रहा है कि मेरे को क्या पता हो पी पॉइंट से, या मेरे को पता हो कि भाई क्यू पॉइंट, मान लो मेरा ये है क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट से उसकी आर पॉइंट की दूरी भी पता हो और एंगल भी पता हो। मान लो मैं कहूँ कि 30 डिग्री के एंगल पर है और मान लो 50 मीटर दूरी पर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बढ़ाऊँगा और इस लाइन को मान लो मैंने 30 डिग्री के एंगल पर आगे एक्सटेंड कर दिया, मान लो ये लाइन मेरी आगे एक्सटेंड हो गई, तो मैं यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बढ़ा लिया, मान लो कुछ भी हो सकता है, थीटा बोल दूँ मैं, थीटा एंगल बना लिया और दूरी मैंने मेंशन करी, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मान लो वो ये पॉइंट ये हो गया, तो मैं देखा कि मेरा ये पॉइंट भी इस तरह से स्थापित हो जाता है मेरा आर पॉइंट। ये जो प्रिंसिपल है ये अपनाया जाता है ट्रैवर्स सर्वे, अगला क्या हो सकता है, अगला मेरे को मान लो मैं कहूँ कि आपसे पी और क्यू पता है, पी पता है और क्यू पता है, मुझे एक पॉइंट से एंगल पता हो और दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस पता हो, तो मान लो मेरे को यहाँ से थीटा पता है, मान लो यहाँ से मेरे को थीटा पता है तो मैंने थीटा पर एक लाइन खींच दी, मान लो मेरे को यहाँ से थीटा पता है और दूसरे
उससे मुझे डिस्टेंस पता है, मान लो 50 मीटर है या वो कहता है 40 मीटर है, तो यहाँ से थीटा पर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ से उतने का चाप मारूंगा, मान लो मैंने यहाँ चाप मारा, इस तरह से वो काट दिया, मान लो ये यहाँ काट दिया, तो मैं देखूंगा कि इस तरह से मेरा ये पॉइंट आर मेरा स्थापित हो जाता है। तो मैंने देखा ये मेरी जहाँ मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, इसका मतलब उस उधर से जिस डॉटेड दिखाया था, इसका मतलब यहाँ से लेंथ नहीं पता, लेंथ इधर से पता है और थीटा इधर से पता है, तो यहाँ क्लियर पता लगा। जिसको मैंने डॉटेड दिखाया इसका मतलब मैंने यहाँ से देखा दोनों को डार्क दिखाया, इसका मतलब दोनों तरफ से लेंथ पता आपको, थीटा नहीं पता। यहाँ से मैंने देखा इसमें लेंथ और थीटा दोनों पता, इसको यहाँ मैं देख रहा हूँ इधर से थीटा पता उधर से लेंथ पता, इसलिए जिधर से लेंथ का नहीं पता था वो तो मैंने डॉटेड दिखा दिया, वो मैंने डार्क कर दिया। ये कह रहा इस तरह का प्रिंसिपल भी ट्रैवर्स सर्वे में ही अडॉप्ट करते हैं, जो ट्रैवर्स सर्वेइंग करते हैं उसमें ही ये प्रिंसिपल अपन अपनाते हैं, या इस प्रिंसिपल का यूज भी अपन ट्रैवर्स सर्वे में करते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या हो सकता है, ये कह रहा वही मेरे को पी और क्यू पता है, मेरे को दोनों पॉइंटों से डिस्टेंस नहीं पता, मेरे को केवल दोनों पॉइंटों से ये पता है कि कितने डिग्री के एंगल्स हैं आपके। तो मैंने देखा मान लो अल्फा और बीटा पता है मेरे को, तो मैंने देखा यहाँ से अल्फा पता है उधर से बीटा पता है, मैंने देखा ये एल इधर से अल्फा पता है और इधर से बीटा पता है, मेरा ये पॉइंट आ गया आर पॉइंट मेरा यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये जो प्रिंसिपल है ये अपनाया जाता है ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो मैंने देख लिया कि ये प्रिंसिपल आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे में अडॉप्ट किया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो आपसे कहता है कि मान लो मेरे को पी और क्यू तो पता ही है, पी और क्यू तो पता ही है आपका, साथ के साथ में मेरे को ये पॉइंट को यहाँ वो करना है, तो ये कह रहा है कि यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पर या इसके बिल्कुल लंब डालकर मैं यहाँ से कोई पॉइंट वो कर लेता हूँ 90 डिग्री। ये डिफाइनिंग डिटेल ऑफ एनी पॉइंट, तो आपसे एक आध बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जैसे ये फिगर दे दिया था आपको, वो कहता है ये कौन सा प्रिंसिपल है या ये इससे ये प्रिंसिपल कहाँ अपन अडॉप्ट करते हैं, तो आप कहोगे ट्रैवर्स सर्वे में अपन इसको अडॉप्ट करते हैं। इस तरह से दे दिया वो आपसे कहेगा ट्रैवर्स सर्वे में अडॉप्ट करते हैं, इस तरह का दे दिया वो कहेगा ट्रायंगुलेशन सर्वे में करते हैं, इस तरह का दे दिया आप कहोगे चैन सर्वे में करता, उस तरह से डिफाइनिंग डिटेल्स ऑफ एनी पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट का लंब डाल के उसकी किसी पॉइंट की डिटेल्स मेरे को लेनी है इतना स्प्लेन टेबल सर्वे वगैरह में, तो ये अपन यहाँ पर अपना सकते हैं। तो अपन देखा कि फिक्सिंग ऑफ एनी पॉइंट विद रेफरेंस ऑफ टू नॉन पॉइंट्स, कोई भी दो नॉन पॉइंट्स की सहायता से तीसरा पॉइंट में है आर ज्ञात कर रहा हूं, तो एक तरह से यहां पर पी नॉन था पी एंड क्यू, पी एंड क्या क्यू क्या थे आपके नॉन पॉइंट से, इनकी सहायता से मैंने आर पॉइंट ज्ञात कर लिया था, तो ये मेरा फिक्सिंग ऑफ एनी टू पॉइंट्स आपका हो जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में दो आते थे, फर्स्ट पहला था वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, बड़े कार्य को छोटे छोटे उसमें बड़े उसको छोटे छोटे उसमें तोड़कर सर्वे करना, क्या फ़ायदा था क्यों ऐसा करते थे मैंने समझा दिया था, कि ताकि आपका क्या ना हो सके, ताकि आपकी एरर्स इकट्ठा ना हो सके, एरर्स आपके एक्युमुलेट ना हो सके। और सेकंड हो गया था दो भी पॉइंटों की सहायता से तीसरे पॉइंट का अपन जो है क्या कर रहे थे, अपन स्थापित कर रहे थे। अब ये कहता है कि और जो अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन फील्ड, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, किस तरह से सर्वे क्लासिफाइड होता है। तो आगे इसने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड मतलब किस क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड के अनुसार जो सर्वे है उसे तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये कह रहा है कि तीन प्रकार से, तो इसने कहा कि नेचर ऑफ
फील्ड के अनुसार, नेचर ऑफ फील्ड के अनुसार, नेचर ऑफ फील्ड के अनुसार, नेचर ऑफ फील्ड के अनुसार सर्वे को मुख्यतः तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। अब कौन कौन से हो गए तीन प्रकार? फर्स्ट ये कहता है, फर्स्ट कहता है लैंड सर्वे, सेकंड ये आपसे कहता है, फर्स्ट हो गए, सेकंड ये आपसे कहता है मैराइन या कहो हाइड्रोग्राफिक सर्वे, और थर्ड वाली जो आपसे कहता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। थर्ड कौन सा हो गया बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो अब अपन पहला देखते हैं लैंड सर्वे। फर्स्ट आपका कौन सा हो गया? लैंड सर्वे, लैंड सर्वे। यह आपसे कहता है कि लैंड सर्वे को भी तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। कह रहा लैंड सर्वे को भी आगे तीन प्रकार से, आगे तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट ये आपसे कहता है टोपोग्राफी सर्वे, सेकंड ये आपसे कहता है कैडेस्ट्रल सर्वे, और थर्ड ये आपसे कहता है सिटी सर्वे। टोपोग्राफी सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और थर्ड वन इज क्या है? सिटी सर्वे। तो आपने देखा, फर्स्ट अपन देखते हैं टोपोग्राफी सर्वे, टोपोग्राफी सर्वे। टोपोग्राफी सर्वे आपका क्या होगा? ये कह रहा है एक तरह से टोपोग्राफ मतलब ग्राउंड के ऊपर जो भी फीचर्स हैं, एक तरह से टोपोग्राफी क्या होता है? जो भी ग्राउंड के ऊपर फीचर्स हैं सबका ये एक तरह से मैप बना देती है। तो चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, उन सबका डिटेल्ड प्लॉटिंग करने के लिए जो सर्वे अपनाया जाता है कौन सा कहलाता है? टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। तो ये कहता है कि ए टाइप्स ऑफ सर्वे विच आर यूज टू प्लॉटिंग द डिटेल्स ऑफ ऑल क्या है? नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये कह रहा है कि टोपोग्राफी सर्वे आर यूज टू डिटेल्ड प्लॉटिंग ऑफ ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स। अब नेचुरल कौन कौन से हो सकते थे? कोई रिवर हो सकती थी, कोई फॉरेस्ट हो सकता है, कोई स्ट्रीम हो सकती है, कोई आपका जो है, तो ये सब नेचुरल पे हो गए आपके। आर्टिफिशियल क्या हो गए? या हिल हो गए, है ना? आर्टिफिशियल क्या हो गया आपका? कैनाल वगैरह हो गई आपकी, जैसे कोई कैनाल हो गया, कोई सिटीज़ हो गया आपका, क्योंकि सब ये आपका विलेज आपके हो गए जो बाय मैन मेड है आपका। तो ये कह रहा है कि टोपोग्राफी सर्वे एक तरह से देखा जाए तो ऑल ऑब्जेक्ट जो है, जो आपके आर्टिफिशियल और जो नेचुरल थे, इन सब की डिटेल्ड प्लॉटिंग करने के लिए जो सर्वे किया जाता है
टोपोग्राफी सर्वे कहलाता है। तो एक तरह से क्या कहना चाह रहा है आपका, अगर हिंदी में सर्वे, ये कह रहा ऐसा सर्वे जिसमें सभी आर्टिफिशियल और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्ड प्लॉटिंग की जा सकती हो। टोपोग्राफी सर्वे कहलाता है। तो आपने देख लिया फर्स्ट जो सर्वे था वो टोपोग्राफी सर्वे था। टोपोग्राफी अपन कहाँ पर कर रहे थे वो भी अपन ने देख लिया। सेकंड जो मेरा था वो था कैडेस्ट्रल सर्वे। सेकंड वन में से कौन सा था भाई? कैडेस्ट्रल सर्वे। तो सेकंड जो सर्वे है वो आपका है कैडेस्ट्रल सर्वे। मैंने सेकंड लिख लिया कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल का मतलब ही भूमि सर्वेक्षण है। तो ये कह रहा है कि इस सर्वेक्षण का या इस सर्वे का मुख्य कार्य जो है लैंड मेजरमेंट, एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड, वॉल्यूम ऑफ जो है लैंड मेजरमेंट के लिए या प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज फिक्स करने के लिए। जैसे मान लो भाई अपन को क्या है कि मान लो कोई दो आदमियों की प्रॉपर्टी है, भाई आपकी प्रॉपर्टी कहाँ तक होगी, जैसे आपका इस तरह के जो काम करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। तो ये कह रहा है कि यह सर्वे लैंड मेजरमेंट में क्या हो गया, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट और फिक्सिंग द बाउंड्री ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए किया जाता है। तो एक तरह से जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, एक तरह से ज़मीन का कोई एरिया मेजर करना, ज़मीन का वॉल्यूम मेजर करना या मेरे को जो है किसी ज़मीन की बाउंड्रीज फिक्स करनी है, इन सब के लिए जो मेजरमेंट किया जाता है वो आपका कहलाता है कैडेस्ट्रल सर्वे। आपका कैडेस्ट्रल का मतलब ही भूमि सर्वेक्षण है ना, भूमि सर्वेक्षण। थर्ड जो था वो था सिटी सर्वे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं। एक तरह से जो किसी भी सिटी वगैरह में जो है स्ट्रीट कनेक्शन, सीवर लाइन का प्रॉपर कनेक्शन या वाटर सप्लाई के कनेक्शन करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो आपका कहलाता है सिटी सर्वे। ज़्यादातर सिटी सर्वे के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता था। अपन देख लिया कि लैंड सर्वे के तीन टाइप है जिनमें से दो इम्पोर्टेंट थे। टोपोग्राफी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पूछता है क्वेश्चन। कैडेस्ट्रल आपका इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका लैंड सर्वे। सेकंड जो है वो आपका कौन सा था, सेकंड जो सर्वे वो आपका है मैराइन सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सेकंड जो है वो आपसे कहता है मैराइन सर्वे और कहो हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये कह रहा है मैराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या है। देखिए ये कहता है मैराइन और हाइड्रो नाम एक तरह से पानी से वाटर बॉडीज़ के लिए। ये कह रहा है ये सर्वे वाटर बॉडीज़ के लिए किया जाता है। वाटर बॉडीज़ में नेविगेशन के लिए, किसी स्ट्रीम या रिवर का डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए, मतलब मीन सी लेवल फिक्स करने के लिए, इन सब कामों के लिए जो सर्वे किया जाता है वो आपका कहलाता है मैराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये कहता है यह सर्वे सभी वाटर बॉडीज कौन कौन सी हो गई, रिवर हो गई, सी हो गया है ना, रिवर हो गई, सी हो गया, कोई स्ट्रीम हो गया, के लिए किया जाता है।
इस सर्वे की सहायता से नेविगेशन मतलब नौकायान भले उनकी डायरेक्शन वगैरह किस, जैसे मान लो यहाँ से श्रीलंका नाव ले जानी है तो अब कैसे डायरेक्शन, तो वो नेविगेशन के लिए नेविगेशन कॉमा मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, मेजरमेंट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज किसी का भी हो सकता है, कोई ना वो हो सकती है आपका नदी हो सकती है या कोई स्ट्रीम हो सकती है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज कॉमा मेजरमेंट ऑफ मीन सी लेवल, मेजरमेंट ऑफ मीन सी लेवल आदि को फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो ये कह रहा है कि ये जो सर्वे है मैराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये आपका जो वाटर बॉडीज हैं, जो पानी की बॉडीज हैं, कोई नदी हो गई, कोई रिवर हो गई, मतलब कोई रिवर हो गई, कोई समुद्र हो गया, इन सब में उसका डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए, मीन सी लेवल फिक्स करने के लिए, उन सब के लिए जो सर्वे किया जाता है वो मैराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाता है। और थर्ड जो है वो आपका कौन सा हो गया भाई, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये कहता है कि खगोलीय एक तरह से, ये कह रहा है कि जो हेवन बॉडीज हैं, जो आपका हेवन बॉडीज हैं, हेवन बॉडी मतलब चांद तारे वगैरह जो हो गए, ये कह रहा है हेवन बॉडीज के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी मेरे को ऑन द अर्थ कोई पॉइंट फिक्स करना है या उस पॉइंट की एब्सोल्यूट लोकेशन ज्ञात करनी है तो जो सर्वे किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। ये कहता है कि इस सर्वे में हेवन बॉडीज, जो हेवन बॉडीज क्या है, सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, है ना, तारे चंद्रमा, है ना, हेवन बॉडीज की सहायता से अर्थ सरफेस पर किसी पॉइंट की एब्सोल्यूट लोकेशन ज्ञात कर ली जाती है। मतलब ये कह रहा है कि जो हेवन बॉडीज हैं, चांद तारे जो है या चंद्रमा जो है, इनकी सहायता, सूर्य है, इनकी सहायता से मेरे को ग्राउंड पर या अर्थ के ऊपर किसी पॉइंट की एब्सोल्यूट लोकेशन ज्ञात करने के लिए सर्वे किया जाता है वो मेरा कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो अभी अपन ने देख लिया कि बेस्ड ऑन द नेचर, नेचर के अनुसार जो सर्वे है वो तीन तरह से था और उन तीन तरह को किस तरह से क्लासीफाइड किया है ये अपन ने यहाँ पर देख लिया। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर फिर अपन देखेंगे कि भाई जो है और आगे किस किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपन की इंस्ट्रूमेंट के अनुसार कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार किस तरह से कर सकते हैं, वो भी आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।